नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। सरकार आपका कितना ख्याल रखती है, आप सड़क पर घूम रहे हो तो कोई आवारा कुत्ता आपको काट ना ले, इसके लिए सरकार ने आवारा कुत्तों की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ, आप शायद हैरानी में पड़ जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में यही जवाब दिया गया है। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में आवारा कुत्तों की नसबंदी पर सरकार ने 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक यशपाल सिसोदिया के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से ये कहा गया है। सरकार के इस जवाब के आने के बाद लोगों में और भी हैरत बढ़ गई है। लोग सरकार के द्वारा जिन एनजीओ पर ये 17 करोड़ रुपए देकर खर्च किए गए हैं उन पर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद विधायक ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में आवारा कुत्तों की नसबंदी का मामला मंगलवार को विधानसभा में गूंजा। इस बात को लेकर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है। इस पर नगरी प्रशासन ने चौंकाने वाला जवाब दिया, जिसे सुनकर सदन में बैठे सदस्य हैरान रह गए। नगरी प्रशासन ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के 5 बड़े शहरों में पिछले 5 साल में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नसबंदी पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि सरकार द्वारा कुत्तों की नसबंदी की जिम्मेदारी एनजीओ को दी गई है, जो सवालों के घेरे में है। यशपाल सिसोदिया ने कहा कि इनमें 2 एनजीओ हैदराबाद और 2 एनजीओ भोपाल के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नसबंदी का अभियान कहीं चलता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च होने पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी में शहरों में जो रुपए खर्च हुए हैं उसमें इंदौर में 1,06,000 कुत्तों की नसबंदी पर 7,46,00,000 रुपए, भोपाल में 6,76,00,000, जबलपुर में 1,70,00,000, उज्जैन में 50,00,000 और ग्वालियर में 53,00,000 रुपए खर्च हुए। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इतने कम संसाधनों के बावजूद इतने आवारा कुत्तों की नसबंदी होना एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने बहुत स्पेसिफिक 5 महानगरों की जानकारी मांगी थी 5 वर्षों की, इसलिए कि मैं जानना चाह रहा था कि इंदौर बड़ा शहर है, उज्जैन बड़ा शहर है, जबलपुर, ग्वालियर, ये ऐसे 5 और भोपाल, ये 5 महानगरों में पिछले 5 वर्षों में 2015 से लेकर के मेरा प्रश्न दिनांक, मतलब कल ही एक दिन पहले 2021 मार्च तक जो मेरा प्रश्न पूछने का जो डेट थी उसमें मुझे जानकारी मिली कि पिछले 5 वर्षों में इन 5 महानगरों में 2,50,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई है और उन नसबंदी के बदले में एनजीओस को 17 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। अब आप देखें कि जिस प्रकार से इन एनजीओ ने काम किया है वो कितने पारंगत है, उनको किस प्रकार से हायर किया गया, वो कैसे यहाँ पर आए, किस प्रकार से उन्होंने काम का संचालन किया, किस प्रकार से कार्य व्यवस्था को प्रणीत किया है। महानगरों में भी अगर कुत्तों को पकड़ के नसबंदी की गई होती है, की गई है, तो आखिर उसकी प्रमाणिकता किसने करी? कुत्तों को पकड़ा, नसबंदी के लिए छोड़ दिया, क्या रिपीटेशन तो नहीं हो गया उन्हीं कुत्तों के, दोबारा तो नसबंदी कर देगी? अनेक सवाल इस एक सवाल से उद्भूत हो रहे हैं और उसको लेकर के जब मेरा सवाल विधानसभा में आया है तो चर्चा का विषय भी बना है। 17 करोड़, 2,50,000 कुत्ते, 5 महानगर, तो इसको लेकर के हैदराबाद की 2 एनजीओस थी, रीवा की 1 एनजीओस थी और देवास की 1 एनजीओस थी, ऐसे कुल मिलाकर के 4 एनजीओ ने मिलकर के इतने बड़े काम को अंजाम कैसे दे दिया? एक एक शहर में अगर औसत 1,01,000 कुत्तों की नसबंदी की गई है तो प्रतिदिन का हिसाब लगा लीजिए आप, उनके पास संसाधन क्या है, उनके पास प्रमाणिकता क्या है, उन्होंने किस प्रकार से इस कार्य को अपने अधिकार क्षेत्रों से लेते हुए कार्य रूप में परिणित किया है, कितने पार्षदों से, कितने महापौरों से इन कार्यों की पुष्टि करवाई गई कि आपके शहर में हमने 50 कुत्ते पकड़े, 100 कुत्तों की नसबंदी करी, उसके बाद छोड़ दिया गया। नहीं, नहीं, आपको लग रहा है कि प्रदेश सरकार को कुत्तों की नसबंदी के नाम पर 17 करोड़ का चूना लगाया गया? देखिए, 17 करोड़ रुपए की राशि ज्यादा होती है और मतलब सरकार का पैसा नहीं होता, ये जनता का पैसा होता है और जनता के पैसे का कितना सदुपयोग हो रहा, कितना अपव्यय हुआ, इसको लेकर के मेरा प्रश्न था। और मैं तो पिछले 5 वर्षों में 5 शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त की ना मैंने पूरे मध्यप्रदेश की तो जानकारी भी प्राप्ति नहीं करी है। और कुत्तों की नसबंदी अगर की जाना है तो पशु चिकित्सा विभाग ने क्या रोल अदा किया, नगर निगमों ने क्या रोल अदा किया,
फिर अन्य जो जनप्रतिनिधि होते हैं महापौर और पार्षद, उन्होंने क्या रोल अदा किया? किसी के सामने अगर कोई कार्य का घटना को अंजाम दिया जाता है या उसकी प्रमाणिकता होती है तो कहीं ना कहीं फिर हमको भी लगता है कि नहीं ठीक हुआ है, अन्यथा तो ऊपर ऊपर की बात चल पड़ेगी।